القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أما جي عائشة رضي الله تعالى عنها حدیث بیان فرماتی ہے صحیح البخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو امہات المومنین نے حبشہ کے علاقہ میں ایک گرجا دیکھا گرجا حبشہ کے علاقہ میں جس گرجے کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تصویریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور دیگر انبیاء اور صالحین کی تصویریں یہ گرجا حبشہ کے اندر تھا اور ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا تذکرہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کیا تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح یہ لوگ جو عیسائی اور یہودی تھے جب ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا بنو علی قبرہ مسجدہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے وصوروا فیہ تلک الصور اور اس میں تصویریں بنا لیتے اولئک شرار الخلق عند اللہ اللہ تعالیٰ کی
सारी मखलूक से ये बदतरीन अल्लाह के बंदे हैं, शिरारुल खल्क के, जो अंबिया सुलहा औलिया के कब्रों पे मसाजद बना लेते हैं और फिर उनकी तस्वीरें उनके अंदर कायम करके शिर्क व बिदात का सिलसिला खड़ा कर देते हैं। फरमाया उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाँ बदतरीन मखलूक है। अजीज भाइयों, अल्लाह ताला बैतुल्ला का बार बार तवाफ नसीब फरमाए, सफ़ा मरवा के साई और रमी जमरात, तो उसके बारे में पाक पैगंबर का प्यारा फरमान सुनिए। फरमाया रहमते दो आलम ने, इन्नमा जोइलल बैत हो, इन्नमा जोइल तवाफ़ बिल बैत व बैन सफ़ा वल मरवा व रमयुल जिमार ले इकामत ज़िक्रिल्लाह। जो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाता है और सफ़ा मरवा की साई की जाती है और जो जमरात हैं मीना के अंदर, जो उनको कैंकर मारे जाते हैं, रमी जमरात और सफ़ा मरवा की साई और बैतुल्लाह का तवाफ़, ये सारे के सारे ले इकामत ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र को खड़ा करने के लिए हैं। भाइयों आओ, अपने रब को पहचानें, अपने अल्लाह की कदर करें। बमा कदरुल्लाह हक कदर ही, रब का कुरान कहता है कि अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के कदर नहीं की। जिस तरह कदर करने का हक था, आओ ज़रा अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए। हदीस पाक में आता है, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, खलकल्लाहु तुर्बता यौम सब्त, हफ्ते का दिन था, अल्लाह ने सारी ज़मीन को पैदा फरमाया, व खलकल जिबाल यौम अहद, और इतवार के दिन अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाया। सारी कायनात में जितने पहाड़ हैं इतवार के दिन, व खलकल अशजारा यौम सुलासा, रब्बे कायनात ने तमाम दरख्तों को सोमवार के दिन पैदा फरमाया। व खलकल मकरूहा यौम सुलासा, रब्बे कायनात ने तमाम की तमाम मादनियात, लोहा और स्टील और ये सख्त चीज़ें अल्लाह पाक ने मंगल के दिन पैदा फरमाई। व खलक नूर यौम अरबिया, रब्बे कायनात ने ये नूर और उजाला बुध के दिन पैदा फरमाया। व खलक दवाब यौम खमीस, और सारी कायनात में जो जानवर और चौपाए हैं रब्बे कायनात ने जुमेरात के दिन पैदा फरमाए। व खलक आदमा यौमल जुमुआते बादा सलातिल अशरे, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को सबसे आखिर में जुमातुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की अजमत है और रब्बे कायनात की कुदरत है, और पहाड़ों को पैदा फरमाया और ज़मीन को और दरख्तों को और मादनियात को और चौपाओं को। अल्लाह वालों आओ, हम अपने अल्लाह की कदर करें। वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, अल्लाह की कदर ने की, जिस तरह कदर करने का हक था, अल्लाह पाक सारी कायनात से ज़्यादा इस हक रखते हैं उस रब का कदर किया जाए, उसका एहतराम किया जाए और उसकी तौहीद को अपना के शिरक का इनकार कर दिया जाए। ज़रा मोहब्बत से सुनिए, वमा अरसलना मिन कबल का मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। अल्लाह की ज़मीन पर जितने पैगंबर आए, रसूल आए, नबी आए, हर नबी की तरफ, हर पैगंबर की तरफ, हर रसूल की तरफ अल्लाह पाक वही करते रहे लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है,
अल्लाह समद है, बेलियाज है, लम यलिद वलम यूलद है। इसीलिए फरमाया जो सूरह इखलास 3 मर्तबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे सारा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। हजरात ज़रा मोहब्बत से तवज्जो फरमाइए, ये रब का कुरान है, अल्लाह पाक की खुली हुई किताब आपके सामने है। मा काना लि बशरिन, ये 3रा पारा है, आखिर से पहले सफ़ा है। फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे को नबी बना देता है या अपना वली बना देता है, मा काना लि बशरिन अय्युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुवा, अल्लाह हिक्मत देता है और नबुवत दे देता है किसी अपने बंदे को, बशर को, फिर वो अल्लाह का बंदा, रब का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है। ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं कहता मा काना लि बशरिन अय्युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्मा वन नबुवा थुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादा ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के बंदे रब के नबी ये नहीं कहते मेरे बंदे बन जाओ, ये नहीं कहते गैरुल्लाह के बंदे बन जाओ, बल्कि अल्लाह के नबी और रसूल और सालेहीन कहते हैं लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ, ना मेरे बंदे बनो ना गैरुल्लाह के बंदे बनो, बल्कि एक अल्लाह के बंदे बन जाओ। अल्लाह हमें इस बात की समझ अता फरमा दे। किसी अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि मेरे बंदे बन जाओ या गैरुल्लाह के बंदे बन जाओ, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे कहते रहे कौनू रब्बानी जीना, सारे के सारे रब वाले बन जाओ, रब्बानी बन जाओ। और सही बुखारी शरीफ में हदीस है, रब्बानी कौन होता है? जिस तरह उलमाए किराम अपना लकब रख लेते हैं, जनाब फुला हजरत रब्बानी साहब हैं, रब्बानी कौन होता है? अल्लाह जी युअल्लिमो सिगार अल इल्म कबला किबारहा, जो अल्लाह के बंदों को कायदा पढ़ाता है और इलम का आगाज करता है, इलम शुरू करता है। और बुखारी शरीफ में हदीस है अल्लाह के हाँ ये रब्बानी है। अल्लाह हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। आओ ज़रा अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए, अल्लाह ताला का कुरान सुनिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा अल्लाह पाक ने सूरह मायदा के आखिर में बयान फरमाया है। सूरह मायदा के आखिर में क़यामत का दिन होगा, वहाँ सारे अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला कहेंगे या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा क्या तुमने कहा था कि मेरी पूजा करो या मेरी अम्मी की इबादत करो? हमें अल्लाह का बेटा बना लो या हमें दाता बना लो? क़यामत का दिन है, अल्लाह पाक सवाल करते हैं, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम रब के दरबार में जवाब देते हैं मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, ऐ अल्लाह मैं तो यही कहता रहा लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं सारी जिंदगी इस बात का ऐलान करता रहा, दावत देता रहा, पैगाम पहुंचाता रहा। लोगों सुन लो, जनाबे ईसा और हजरत ईसा की वालदा मोहतरमा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ऐलान करते रहे लोगों दाता अर्श वाला रब्बे करीम है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और मैं सारी जिंदगी यही दावत देता रहा। व कुंता अलैहिम शहीदा, और जब तक मैं जिंदा रहा मैं ऐलान करता रहा, दावत देता रहा, पैगाम पहुंचाता रहा। मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ्फैतनी कुंता अंतर रकीबा अलैहिम, या अल्लाह जब तूने मुझे जिंदा आसमान पे उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया, या अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया
कुंता अंतर रकीब अलैहिम, फिर तू उन पर निगरान था, मुहाफिज था, जिम्मेदार था, या अल्लाह तेरी निगरानी थी। मैं तो सारी जिंदगी ऐलान करता रहा लोगों, दाता अर्श वाला रब्बे करीब है। कुंता अंतर रकीब अलैहिम वअंता अला कुल्ले शैइन शहीद, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका वइन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब जरा सुनिए अल्लाह ताला के पाक नबी जनाब ईसा का बयान, या अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब दे दे ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर दे, तू ग़ालिब हिकमत वाला है, तेरे फैसले पे ना कोई पड़ताल कर सकता है ना हड़ताल कर सकता है। और हदीस मुबारक में आता है प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात क़ियामुल लैल कर रहे थे, नफल पढ़ रहे थे, रात के नवाफल के अंदर सारी रात आप सिर्फ एक आयत पढ़ते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, ए अल्लाह अगर तू इनको अजाब देता है तो तेरे बंदे हैं, ना भाग सकते हैं, ना दम मार सकते हैं, ना नजात पा सकते हैं। वइन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनको माफ़ करता है, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू ग़ालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह वालों, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह का बेटा हूँ, ना कभी कहा कि मैं दाता दस्तगीर हूँ, मुश्किल कुशा हूँ, बल्कि क्या कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते रहे, अल्लाह के नबी के सहाबा यही ऐलान करते रहे। और मैं अर्ज करूं, लोग कहते हैं हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श, अल्लाह वालो महाज़ल्लाह सुम्मा महाज़ल्लाह, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, लोगों कोई बंदा मुझे दाता ना कहे, दाता अर्श वाला अल्लाह है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, हज़रत ईसा ने कभी नहीं कहा मैं दाता हूँ या मैं अल्लाह का बेटा हूँ, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा लोगों में मुश्किल कुशा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी ना फरमाया मैं मुश्किल कुशा हूँ, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से अर्ज करते हैं, फरमाया लोग तुझे दाता कहते हैं व तू हब्बा न दारी, जबकि अपने आप को फरमाया हज़रत अली हजवेरी ने अपनी शान बयान करते हुए, लोग तो दाता कहते हैं और तेरी सूरत हाल ये है, तू हब्बा न दारी, तू एक दाने का भी मालिक नहीं। और अल्लाह ताला की शान है, लोग उरस करते हैं, मेला करते हैं, रब की शान है अल्लाह पाक ने हज़रत अली हजवेरी को न बेटा दिया न बेटी दी है, अल्लाह की शान है, बे औलाद रखा है। यह बोले मैं यशाओ नासा व यह बोले मैं यशाओ जकोर। और आओ जरा मैं मोहब्बत से आपके सामने हदीस पढ़ता हूँ। हदीस के रावी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, सिंताने मुझे बताने, दो चीज़ें वाजिब करने वाली हैं, दो चीज़ें वाजिब करने वाली हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा मोहब्बत से सुनिए और नोट करके ले जाइए, फरमाया दो चीज़ें वाजिब करने वाली है, मम माता वक़द अशरक बिल्ला दखल नार, जो इस हाल में दुनिया से गया रब्बे कायनात के साथ शिरक करता रहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सीधा जहन्नम में चला जाएगा। वमम माता वलम युशरिक बिल्ला दखल जन्ना, जो बंदा इस हाल में दुनिया से गया शिरक नहीं करता, अल्लाह ताला की तौहीद पे कायम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम है। और हदीस में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह
तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे में सारी कायनात को रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह सारी कायनात से ज़्यादा वजनी है, भारी है। और जो बंदा शिरक नहीं करता, अल्लाह ताला की तौहीद पे फौत हुआ, दाखल अल जन्ना, इंशाल्लाह वो अल्लाह की जन्नत का वारिस है। ए पाक परवरदिगारा, हम सब फकीरों को अपनी तौहीद की बरकत से अपनी जन्नत का वारिस बना दे। आओ जरा रब का पाक कलाम सुनिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, हज़रत अली रसी अल्लाह अन्हो ने कभी नहीं फरमाया, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मना कर दिया, अपनी किताब में लिख दिया, किताब मौजूद है, हवाला पेश कर सकते हैं। लोगों, दाता अर्श वाला खुदा है, अपने बारे में लिखा, जो मुझे दाता कहता है अपने रब की कदर नहीं करता, अल्लाह ताला के जो हक हैं उसको अदा नहीं करता। वमा कदरुल्लाह हक का कदर है। अल्लाह वालों, कायनात में इंसान मोहब्बत करता है अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने दोस्तों से, लेकर याद रखो ये तीन उंगलियां, जब तक बंदा अल्लाह पाक के लिए तीन काम नहीं करता, नंबर एक सारी कायनात से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए, सारी कायनात से ज़्यादा इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और तीसरा इबादतें सारी अल्लाह के लिए। तीन काम जो अल्लाह के लिए करता है, रब्बे कायनात से सच्ची मोहब्बत करता है। और रब का कुरान क्या ऐलान करता है, ये दूसरा पारा है, सूरतुल बकरा है, अल्लाह पाक की खुली हुई किताब आपके सामने है, ये ज़रा देख लीजिए। वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कुछ ऐसे बेनसीब हैं जिन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं और उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, ऐ बेनसीब नु जगा दे, अल्लाह से जिस तरह मोहब्बत करनी चाहिए इस तरह अल्लाह के शरीकों से मोहब्बत करता है। वमिनन्नास, देख लो, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ज़्यादा मोहब्बतें अपने अल्लाह से करते हैं। और तीन तरीक़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए, सबसे ज़्यादा इताअत अपने अल्लाह के लिए, और सबसे ज़्यादा इबादतें अपने अल्लाह के लिए, बल्कि इबादत है ही अल्लाह वहदहु ला शरीक के। कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अब ज़रा सुन लो, कल क़यामत का दिन होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो इनकार कर देंगे, मैंने किसी को नहीं कहा था मुझे अल्लाह का बेटा कहा जाए, हज़रत अली रसी अल्लाह ताला अन्हो साफ साफ फरमा देंगे, मैं तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता रहा, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह साफ कह देंगे, मैंने तो अपनी किताब में लिखा था लोगों, दाता अर्श वाला खुदा है। और जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ने वो मंजर बयान फरमा दिया है, वलो यरल्लज़ीन ज़लमु इज़ यरून अलअज़ाबा अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीया, जब अजाब सामने आएगा, जहन्नम सामने आ जाएगे, शिरक करने वाले, अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीया व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इस्तबर्रा अल्लज़ीन तुबू मिनल्लज़ीन तबाऊ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब,
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرع منهم, और अल्लाह के साथ शिरक करने वाले कयामत को रब के दरबार में कहेंगे, अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, हम कभी तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे। अल्लाह क्या फरमाएंगे, वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, ऐसे जालिम कभी भी अल्लाह के अजाब से निकलने वाले नहीं हैं। एक शिरक है इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, वो मुशरिकीन मक्का भी किया करते थे। किस तरह, जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, हज करते, उमरा करते, तो पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमत लक वल्मुल्क, ये तलबिया पढ़ के हज में उमरा में आखिर में कहते इल्ला शरीकर हुवा तमले को हो व मामलका, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है मगर वो शरीक है जिसे तू शरीक बना देता है। अल्लाह ताला किसी को अपना शरीक नहीं बनाता। रब्बे कायनात उस वक़्त के जो मुशरिक थे, अरब के जाहिल बुद्धू थे, उजड थे, और जाहिलियत के अंदर कहते इल्ला शरीकन हज में उमरा में, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है मगर वो जिसे तू अपना शरीक बना देता है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से कहते कि ये जो मुशरिकीन ने तलबिया बनाया है इसको ख़त्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तलबिया और तराना वो है हज में उमरा में जो दीन का और तौहीद का हिस्सा है। आप फरमाते कद कद बस बस, तौहीद का तराना पढ़ के कद कद बस ख़त्म कर दो, इससे आगे जो शिर्क का तराना है उसे छोड़ दिया जाए, उसे तर्क कर दिया जाए। अल्लाह वालो आओ, एक सहाबी रसूल आए अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आए, उनका बड़ा खूबसूरत वाक्या है, आप सुनेंगे आपके चेहरों पे नूर आ जाएगा। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपके वालदे ग्रामी हैं, नाम अमर बिन आस है। हज़रत अब्दुल्ला जो थे पहले इस्लाम लाए, बाप बाद में इस्लाम लाया, अल्लाह के नबी से कहता है या नबी अल्लाह उबसुत यदा का, अपना हाथ फैलाइए। आपने अपना दस्ते मुबारक खोला, हज़रत अमर बिन आस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने खुद कहा था उबसुत यदा का, हाथ फैलाओ, जब मैंने अपना दस्ते मुबारक खोला है तुमने अपना हाथ पीछे किया है। कहा उरीदु अन अश्तरिता, मैं शर्त करना चाहता हूँ, कलमा पढ़ने से पहले मेरी एक शर्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या शर्त है। कहा इस शर्त पे कलमा पढ़ता हूँ रब्बे कायनात मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। फरमाया अन्ना लिस्सलाम यहदेमु मा काना कबला हो, जब बंदा कलमा पढ़ता है, जब बंदा हिजरत करता है, जब बंदा हज करता है, ये तीन नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से रब्बे कायनात गुज़श्ता साबिका सारी ज़िंदगी के गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देता है। यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ जुकोर और युजव्वे जो हम जुकरानम व इनासा व या जालो मैं यशाओ अकीमा, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां मिला के देता है, और जिसे चाहता है व या जालो मैं यशाओ अकीमा। हजरत शाह अब्दुल गनी कामों की वाले रहमतुल्लाह अलैह ये आयत बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाते और आखिर में कहते व यजालो मैं यशाओ अकीमा, अल्लाह जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। अगर बे औलाद देखना है तो आपके सामने शाह अब्दुल गनी खड़ा है। अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह पाक ने हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी सारी ज़िंदगी, क्यों कि दाता अल्लाह है,
उन्होंने खुद फरमाया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमा दिया है। अल्लाह ताला हम सब को कलमे की सही मानों में समझ अता फरमाए। और सुन लीजिए, ये रब का कुरान है, अल्लाह की पाक किताब है। अल्लाहु अकबर, सुन लो, कहीं ज़कात का मसला, कहीं हज का, कहीं जिहाद का, एक मसला ऐसा है जो हर सफ़े पर है, कुरान पाक के हर सफ़े पर, हर सफ़े पर। वो कौन सा मसला है? वो मसला ये है कि अल्लाह एक है, तौहीद वाला मसला। यहाँ से बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक हर सफ़े पर एक मसला, बाकी मसले बदलते रहते हैं। कहीं वालिदैन का हक है, कहीं जिहाद का, कहीं ज़कात का, कहीं हज का, कहीं रिबा का, कहीं कोई मसला है, एक मसला हर सफ़े पे। वो कौन सा मसला? अल्लाह ताला की तौहीद का मसला। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए, दीन पे ज़िंदा रखे, दीन पे मारे। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے میرے اللہ ہم سب کے والدین پہ رحم و کرم فرما سب کو معاف فرما درگزر فرما جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما اے میرے اللہ جو حیات ہے ان کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين سورة الكهف 15वें पारे से शुरू होकर 16वें पारे में ख़त्म हो जाती है 12 रुकू हैं प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस है जो बंदा जुमातुल मुबारक के दिन सूरतुल कहफ़ की तिलावत करता है रब्बे कायनात एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक इसके लिए नूर पैदा फरमा देता है और रोशनी है और हिदायत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कुछ अल्लाह के बंदे बड़ी मोहब्बत से मिल बैठ के सूरतुल काफ़ की तिलावत करते हैं और कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो वफ़ादार होते हैं, वफ़ादार। और वो ये नहीं कहते दुआ करो, कभी नहीं कहते, बल्कि उनका अमल ऐसा होता है, अमल ऐसा होता है। और उन वफ़ादार शागिर्दों में से हमारे वाजिबुल इहतराम भाई मुनव्वर साहब, अल्लाह इनकी नस्लों में खैर जारी फरमा दे। वफ़ादार पहले दिन से लेकर आज तक सुबह जुमातुल मुबारक के दिन साथियों को लेकर बैठते हैं, सूरतुल कहफ़ की तिलावत होती है, तर्जमा क्लास के साथी तो दूसरे साथी भी जमात में बैठकर या घरों में बैठकर और ख़वातीन भी सूरतुल कहफ़ की तिलावत किया करें। अल्लाह ताला बड़ी बरकतों से नवाजता है। और मोहब्बत से सुन लीजिए, पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, एक मेरा इंतहाई करीबी साथी है, वो साल हर साल से, कई सालों से हर जुमा सूरतुल कहफ़ 2 मरतबा तिलावत करता है, 2 मरतबा। नूरुन अला नूर हो गया, ज़्यादा बरकत हो गई। और मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद साजद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तालिबे इल्म बैठते हैं सबक पढ़ने के लिए कुरान पाक का,
तो पहले सूरतुल काफ की तिलावत करा लें हर जुमे, सारे तलबा हिफ्ज़ के उसके बाद अपनी रूटीन का सबक शुरू कर दें। इसमें बड़ी बरकत होगी और तालिब इल्मों की तरबियत होगी और दिल में नूरानियत और खैर और अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजल होगी। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे साथियों को, बुज़ुर्गों को, तलबा को तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमा ले और राज़ी हो जाए। और ये एक ऐलान है, आपके पास ये करीबी गांव है लद्दे वाला वड़ैच, वहाँ जामिया है जामिया अकरमुल उलूम, बड़ा अच्छा इदारा है, तालिबे इल्म पढ़ते हैं। तो उन तलबा की ज़रूरियात के लिए आप सब भाइयों के पास ये दो साथी आए हैं, उनसे तआवुन भी फरमा देना। अल्लाह ताला अपने दीन के इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब को दुनिया आखरत की खैर से मालामाल फरमा दे। आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जते अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।